स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे क्लास 8th की साइंस की बुक। इसमें हम चलिए पढ़ते हैं। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। देयर अंकल इज़ अ फार्मर। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, सोज, प्लो एटसेट्रा इन द फील्ड। बच्चों ने कुछ वहाँ पे देखा क्योंकि उनके अंकल एक फार्मर हैं, और उन्होंने क्या किया कि इसके बारे में फिर जानने की कोशिश की। जो बच्चे हैं उन्होंने पूछा कि इनको कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो क्या होता, अब देखिए, हम सबको पता है कि सभी ऑर्गेनिज़म्स को भोजन की ज़रूरत होती है। जैसे पौधे हैं, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और हमें पता है कि ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना सिंथेसाइज़ करते हैं। किसकी मदद से? क्लोरोफिल की मदद से, है ना। तो जो एनिमल्स होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। वो कहाँ से लेते हैं अपना खाना? वो लेते हैं ग्रीन प्लांट से। पर हमें ये जानना होगा कि हम खाना क्यों खाते हैं। हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि जो एनर्जी हमें खाने से मिलती है, हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं किसके लिए? डिफरेंट फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए। जो हमारी बॉडी की एक्टिविटी होती है उनको कैरी आउट करने के लिए, उनको चलाने के लिए। जैसे कि हम डाइजेशन में, रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में, इन सब क्रियाओं के लिए भोजन में जो एनर्जी होती है उसको यूटिलाइज़ करते हैं। इसीलिए आप अच्छा अच्छा खाना खाइए और ऑर्गेनिक फूड आप लें तो और भी ज़्यादा अच्छा है। हम अपना खाना कहाँ से लेते हैं? प्लांट से। प्लांट ही हमारी अर्थ पे ऐसे एनिमल, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं बिना किसी की हेल्प के। अब छोटे बच्चे तो ऐसे बोलेंगे हमारे मम्मा भी खुद ही बनाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पौधे ही एक हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हम सब, बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब ये जो बच्चे हैं, इन्होंने सवाल किया है कि इतना सारा खाना हम कहाँ से लाएंगे, इतने ज़्यादा लोगों को हम कैसे देंगे। ठीक है, फूड हैज़ टू प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल। अब जो पहेली है उसने कहा है कि खाना बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होना चाहिए, बना मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। इसके लिए क्या ज़रूरी है? रेगुलर प्रोडक्शन हमें प्रोड्यूस करना चाहिए, रेगुलरली। प्रॉपर मैनेजमेंट, उसको मैनेज करके रखना चाहिए। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। इसके लिए क्या होता है कि रेगुलर प्रोडक्शन का मतलब ये है कि हम हर साल खाना उगाएं, खेती करें और उसको प्रॉपर मैनेजमेंट में रखें। जैसे सपोज़ अगर एक किसान है, एक साल उसने खाना उगाया, मतलब क्रॉप लगाई, उसके बाद 5 साल तक नहीं उगाई, तो हमें खाना कहाँ से मिलेगा? ठीक है, जब भी वो प्रोड्यूस करता है तो उसको प्रॉपर मैनेजमेंट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम खुले में रख दें, उसको चूहे खा जाएँ या बारिश में वो ख़राब हो जाए, तो उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। प्रॉपर मैनेजमेंट का मतलब यही नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट ही सब कुछ करेगी, हमारी भी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, जैसे घर में खाना वेस्ट ना हो ताकि दूसरे लोगों को मिल सके, है ना। ये सब चीज़ें हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, डिस्ट्रीब्यूशन आप भी कर सकते हैं, जैसे बचा हुआ खाना है किसी को दे दें, कचरे में ना फेंकें। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं कि लार्ज स्केल पे जो हमारी पॉपुलेशन है उसको, उनको सबको खाना मिलेगा। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, इसमें क्या होता है? देखो, जो 10,000 BC बिफोर क्राइसिस जो था उसमें क्या था, नोमैडिक थे लोग जो थे वो खानाबदोश थे। नोमैडिक मीन्स क्या होता है? खानाबदोश। देवर वंडरिंग इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। खाने के खोज में वो इधर उधर घूमते थे। ठीक है, तो तब इतना सिविलाइजेशन नहीं था। जो रॉ फ्रूट्स थे, वेजिटेबल्स थे, उन्होंने उनको खाना शुरू किया, एनिमल्स को मार के खाना शुरू किया। बाद में क्या हुआ कि कल्टीवेट करना शुरू कर दिया उन्होंने ज़मीन को, और गेहूं, चावल, क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दिया, और इस तरह से जो एग्रीकल्चर है वो शुरू हो गया। क्रॉप किसे कहते हैं? कल्टीवेशन तो शुरू हो गया, एग्रीकल्चर शुरू हो गया। अब हमें क्रॉप की डेफिनेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल। जब एक जगह पे एक ही तरह के बहुत ज़्यादा पौधे हम उगाते हैं तो उसे क्रॉप कहते हैं। और ये डेफिनेशन आपको हायर स्टडीज़ में भी काम आएगी, क्योंकि ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, अभी आप समझ के करोगे तो भूलोगे नहीं। जैसे कि क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट। हमें पता है पहले ही कि क्रॉप के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे सीरियल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, है ना। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो।
ये सीज़न के बेस पे भी क्लासिफाई होते हैं। जैसे हमारा देश है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, उसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं। ये देखिए, इसके बेस पे हम खरीफ और रबी दो तरह की फसल शुरू करते हैं। इस पेज पे आपने देखा है कि एक बच्चे ने बहुत ज़्यादा मतलब इसको पेंट कर दिया है, तो आप इस पेंटिंग को इग्नोर करें और जो इसमें काम की चीज़ है वो निकालें, क्योंकि बीच में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हमारे एक IAS ऑफिसर हैं, ठीक है, एलमाई फ्रोस, उन्होंने बोला था कि अगर आप किसी को ये देखेंगे कि उसने कैसे कपड़े पहने हैं, किसी ने कैसी चप्पल पहनी है, किसी ने एक ही दुपट्टा लिया हुआ है स्कूल के लिए, किसी ने दो लिए हुए हैं, अगर इस चीज़ पे आप किसी को भी आइडेंटिफाई करना शुरू करोगे तो आप अपना एम भूल जाओगे, ठीक है। सबका कुछ ना कुछ वीकनेस होती है, सबका कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप उस चीज़ को छोड़ो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो किसी की बुक फटी हुई भी होगी तो भी वो उतना ही नॉलेज देगी, किसी की बुक बिल्कुल न्यू होगी और नहीं पढ़ेगा तो वो उसको कुछ भी नहीं देगी। चलिए शुरू करते हैं खरीफ क्रॉप। दीज क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीज़न आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप, जो रेनी सीज़न में ग्रो करते हैं। अब शुरू हो गया है हमारा ट्रिक का टाइम। जो खरीफ क्रॉप है उसमें है पैटी, मेज़, ग्राउंडनट, कॉटन, और ये खरीफ क्रॉप कौन सी होती हैं, जो रेनी सीज़न में ग्रो करती हैं। जो चैप्टर में आ सकता है वो आपको क्रॉप की डेफिनेशन बतानी हो सकती है, या खरीफ क्रॉप बतानी हो सकती है, और रबी क्रॉप की डेफिनेशन बतानी हो सकती है। लेकिन साथ साथ में डेफिनेशन के अगर आपको एग्जांपल अच्छे से आ जाते हैं तो इसमें बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, ठीक है, और ये एग्ज़ाम्स में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो खरीफ क्रॉप है उसके लिए ट्रिक्स है PMG का साया, PMG का साया, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं उनका साया, आप ऐसे याद करेंगे, PMG का KA नहीं याद करेंगे, यहाँ पे CA याद करेंगे, ठीक है। P से पैडी, M से मेज़, G से ग्राउंडनट, CA से कॉटन। और जो रबी क्रॉप्स हैं उनके लिए हमें याद करना है कि वो विंटर सीजन में ग्रो करती हैं, अक्टूबर टू मार्च में, ठीक है। WG पी मस्टर्ड लाना, WG ये किसी का नाम हो सकता है, आप ऐसे याद करेंगे, W से वीट, G से ग्राम, P और मस्टर्ड तो आपको पता ही है, लाना से लिंसेड, ठीक है। WG पी मस्टर्ड लाना मतलब आपने मटर और मस्टर्ड लाने के लिए बोला है, उसे सरसों लाने के लिए बोला है, ठीक से आप याद कर लोगे। ओके, हम यहाँ पे शुरू करते हैं। रबी जो है वो विंटर क्रॉप के लिए यूज़ होता है, और हम कैसे याद करेंगे, रबी, रबी से रब दिख रहा है ना आपको, रब मतलब सर्दी है, सर्दी में आप भगवान याद करते हो, तो इस तरह से आप याद करोगे। अब दोनों बच्चे हैं, उन्होंने, एक ने सवाल किया है कि पैडी को हम विंटर में क्यों नहीं ग्रो कर सकते, तो इसका आंसर है कि जो पैडी प्लांट है उनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए वो सिर्फ रेनी सीज़न में ग्रो करते हैं। देखिए, हमें सब कुछ पका पकाया मिल जाता है इसलिए हमें पता नहीं होता, लेकिन जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करता है। जैसे कि ये एक्टिविटी सिमिलर होती हैं जो कि हमारे गार्डन में परफॉर्म करते हैं, जैसे मम्मा अभी कुछ लगाती हैं हमारे किचन गार्डन में, तो हम उसे देख के थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले वहाँ पे मिट्टी को तैयार करना होता है, सोइंग, फिर वहाँ पे सीड बोना होता है, एडिशन ऑफ मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मेन्योर क्या होता है, खाद होता है ताकि उसकी जो सॉइल की पावर है वो इंक्रीज़ हो जाए, फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें, ठीक है, इरीगेशन, फिर हम उसमें पानी डालते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, जो खरपतवार होता है, वीड मीन्स खरपतवार, उससे बचाते हैं, हार्वेस्टिंग मतलब जब बीज पक जाता है या फल फ्रूट कोई पक जाता है तो हम उसे काटते हैं, फिर स्टोरेज, स्टोरेज मीन्स हम उसे स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर अगर तभी खाने का है, वो सीजनल फ्रूट है या फिर कुछ और है, तो हम उसे तब खा सकते हैं। ये था हमारा 8th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर, और हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। Thank you for watching Science in Simple Steps. If you have any suggestion and queries, then you can comment in comment box. I'll reply for sure. Thank you for watching.